नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बनाया है हरी मटर की सब्ज़ी, रोटी और थोड़ा सा प्याज मैंने काट के रखा है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। रोटी बनाना तो सभी जानते हैं, तो ये मैं ग्रीन पीस का करी बना रही हूँ, यानी कि हरे सूखी मटर का करी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है मेरा ये हरे मटर का सब्जी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए हरे मटर 2 कप। ये मैंने रात भर सोक किया था, तो ये तकरीबन 8 घंटे मैंने पानी में सोक किया हुआ है, अच्छे से धो के रखा है मैंने इसे अभी। तो ये देखिए, ये हरे सूखे मटर हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने साथ में एक आलू भी ले लिया है। एक मीडियम साइज़ आलू को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, कलर चेंज ना होने के लिए मैंने उसे पानी में डाला है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप चॉप्ड अनियन, 1 कप चॉप टमाटो और ये 5 हरी मिर्च मैंने बारीक काटा है। तीखा आप अपने हिसाब से यूज़ करें। और ये देखिए, प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले डाल देंगे ग्रीन पीस। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए आलू। अब हम इसमें मिला देंगे चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटोस और चॉप्ड ग्रीन चिली, यानी कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी उतना डालें जिससे कि सारी सब्जियां डूबी रहे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 4 सीटी, तो 4 विसल्स का वेट करेंगे हम। फोर वेसल्स हो गए हैं, अब चलिए खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं छिलके अलग हो गए हैं। आप चाहे तो छिलके यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छिलके भी यूज़ कर रही हूँ। हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है। तो अब हम इसका तड़का लगाएंगे। ये मैंने एक पैन गरम कर लिया है यहाँ पे। इस पे हमने तेल डाल दिया है और सबसे पहले डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स। आप चाहे तो इस वक्त लहसुन या फिर अदरक आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस करी में लहसुन या अदरक दोनों का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सरसों के बाद डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ। जो थोड़े से प्याज मैंने बचा के रखे थे, वो प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और हम साथ में डाल देंगे लाल सूखी मिर्च। तो कुछ लोगों को पसंद है अदरक और लहसुन यूज़ करना, आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बिना अदरक लहसुन का बना रही हूँ ये सब्जी। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इसे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी हम यूज़ करेंगे 1/2 चम्मच। अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और आधा टीस्पून फेनल सीड पाउडर यानी कि सौंफ का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से मसाले को रोस्ट कर लेंगे हम। मसाले जलने से पहले हम अब कुक्ड ग्रीन पीस यानी कि हरे मटर को हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमने डाल दिया है पूरी ग्रेवी को। तो अब आप इसे तब तक बॉईल करें जब तक आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी चाहिए तब तक आप इसे बॉईल करें। अब चाहे तो थिक कर सकते हैं थोड़ा। आखिरी में हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ आखिरी में। अब इसे मैं थोड़ी देर बॉईल करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ग्रेवी है तो मुझे इतना ग्रेवी नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा थिक करूँगी। तो ये देखिए मैं 5 मिनट तक इसे बॉईल करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि मेरी जो करी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अब मैं इसे गैस से निकाल लूँगी। अब मुझे इसे और नहीं पकाना है। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों इसे ट्राई करके देखिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छी लगी तो, और इसे शेयर भी करना ना भूलें। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म रोटी, और थोड़ा सा प्याज मैंने काट लिया है। आप चाहे तो कोई रायता या सलाद भी बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ प्याज काट के रखा है, हमें अच्छा लगता है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट योर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।